आईपीएल 2024 में जिस मैच का इंतजार था वो मैच तो पूरा हो चुका है, लेकिन नतीजा उस हिसाब से नहीं आया जिसकी आप उम्मीद लगाकर बैठे थे। सीएसके वर्सेस एसआरएच के बीच मुकाबला खेला गया, हैदराबाद के मैदान पर खेला गया और यहां पर एक बार फिर से सीएसके की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। लगातार दो मुकाबले ऋतुराज गायकवाड़ की टीम हार चुकी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी तो 165 बनाए जब पहले बल्लेबाजी कर रहे थे तो लगा कि ये विकेट बहुत स्लो है और स्लो विकेट स्पिन फ्रेंडली रहेगा और इतने रन बनेंगे नहीं और आराम से सीएसके टारगेट डिफेंड कर लेगी, लेकिन जब टारगेट चेस करने उतरी हैदराबाद की टीम तो लगा अरे ये तो बैटिंग विकेट है और यहां पर बल्लेबाज आसानी से 165 का टारगेट चेस कर लेंगे, जो कि करके दिखाया। 12 गेंदों में 37 बना दिया अभिषेक शर्मा ने, 50 बना दिया एडन मार्करम ने, मोइन अली ने बहुत लेट गेंदबाजी की, तमाम गलतियां सीएसके की टीम की ओर से हुई हैं, लेकिन ये मुकाबला जो है वो जा चुका है हैदराबाद की ओर। हैदराबाद ने भी अब 4 में से 2 मुकाबले जीत लिए हैं, सीएसके भी 4 में से 2 जीती है। अब इसके बाद 8 अप्रैल को केकेआर से भिड़ेंगे तो क्या तैयारी होगी देखने वाली बात होगी। सबसे पहले टॉस जीता पैट कमिंस ने, कहा कि हम गेंदबाजी करेंगे, सीएसके की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो रचिन रवि सस्ते में आउट हुए, ऋतुराज गायकवाड़ फिर बड़ी पारी नहीं खेल पाए 26 पर आउट हुए, रहाणे ने 35 रन बनाए, शिवम दुबे ने फायर पावर दिया जिसकी बदौलत तक यहां तक पहुंचे 45 रन 24 गेंदों में और उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा और डैरिल मिचेल कुछ खास नहीं कर पाए और गेंदबाज जो है कमिंस नटराजन भुवनेश्वर कुमार सभी को सफलताएं मिली और सभी ने महत्वपूर्ण समय पर हाथ ऊपर करके टीम को योगदान दिया, लेकिन जब टारगेट डिफेंड करने की बारी आई तो पहले ओवर में ही एक कैच छोड़ दिया मोइन अली ने और उसके बाद एक ओवर में 27 रन जब पड़ गए तो खेल वहां से पलट चुका था और ये सब देख के जो टीम की ओनर है काव्या मारानो बहुत खुश नजर आ रही थी, काफी खुश देख कर लग रही थी। जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे, रेवंत रेड्डी ने वो मैच देखा, साथ ही साथ कई एक्टर्स ब्रह्मानंदम भी वहां पर पहुंचे हुए थे, तो तमाम लोगों ने इस मैच का जो है वो लुत्फ उठाया और काफी इंजॉय किया। हैदराबाद की टीम ने मुकाबला जीता है, एमआई को हराया और सीएसके को यानी 10 बार की चैंपियन को इन्होंने हरा दिया है। अब उम्मीद है कि सीएसके अपने गेम को थोड़ा सा ऊपर करेगी और आने वाले मुकाबले जीतेगी। तो मैच के टॉप मोमेंट्स यही थे कि महेंद्र सिंह धोनी ने आज रिव्यू लिए, एक रिव्यू अंपायर कॉल पे गया, एक रिव्यू सक्सेसफुल रहा और उसके साथ साथ काव्या मारान भी बहुत खुश नजर आ रही थी और जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो रहाणे के साथ काफ़ी डैशिंग शॉट्स देखने को मिले उनके बल्ले से, लेकिन कुछ खास वो पारी हो नहीं पाई थी, लेकिन मुकाबला जो है वो हैदराबाद जीत चुकी है और चेन्नई 4 में से 2 मुकाबले हार चुकी है। आप बताइए मैच का टॉप मोमेंट आपको क्या लगा हमें कॉमेंट करके, तब तक के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।